केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज भारत का कद बड़ा है। केंद्रीय रेल मंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है। आप सभी जानते हैं, अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास टेक्नोलॉजिकल पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है। दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की एक अलग वजूद है। ऐसे देश ने आज भारत को एक बराबर के पार्टनर ऑफ इक्वल पार्टनर वाली जो भावना के साथ एक्सेप्ट किया है, एक उस तरह से समझौते किए हैं जिसमें भारत और अमेरिका दोनों मिलके काम करें, वो एक बहुत बड़ा मेजर, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लेके आए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत इसलिए, जिस तरह से हाईटेक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का हिंदुस्तान हब बनने लगा, और जो स्टेप्स भविष्य में जिस तरह से आज जिसकी फाउंडेशन ले हो रही है, उन सब चीजों को देखते हुए और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एक जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में रखी, जिसमें राष्ट्रहित को सबसे इम्पोर्टेंस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखी, देश का हित किस चीज में है उसके हिसाब से सारे फैसले हो, इन सब चीजों को देखते हुए विश्व में आज भारत की एक अलग पहचान बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से रिसीव किया गया, जिस तरह से उनके कार्यक्रम हुए और जो समझौते हुए, वो इन सब बातों को आप समेटें, अगर 9 वर्षों का कार्यकाल, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत में नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने का जो कॉन्फिडेंस है, जो एक लेवल है कि हम कर सकते हैं, नई से नई, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज को हम डेवलप कर सकते हैं, इन सब का निचोड़ है, इस विजिट का सारांश है। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस के लॉन्स सभी भारतीयों के लिए खोले गए, जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन में एक जेन्युइन स्टैंडिंग ओवेशन बार 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 होता है, स्पीकर तक खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन में भाग लेते हैं अमेरिका के। ये जो भावना है, ये जो सम्मान है, ये सम्मान देश के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। जिस लेवल पे आज भारत को पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में अपने कार्यकाल में पहुंचाया है, जिस पॉइंट पे, जिस हाइट तक लेके आए, वो उसका सम्मान है, उसका रिकग्निशन है। जैसे हम इसमें समझौते हुए उनकी अगर बात करें, एक एक समझौते को आप लो, एक समय था जब टेक्नोलॉजी के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहा करते थे। हमारा यूएस, जब भी भारत सरकार से कोई भी यूएस जाते थे तो वहां पे आधी से ज्यादा बातचीत होती थी कश्मीर की, पाकिस्तान की, इस तरह के एक अलग ही नैरेटिव रहता था। आज आप देखो, इस स्टेट विजिट में, प्रधानमंत्री जी की स्टेट विजिट में प्राइमरी फोकस रहा कि हम दो ऐसे देश हैं जिनके पास आज टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की ताकत है, तो ये दोनों देश मिलके क्या कर सकते हैं।